नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एडुटेक में। तो गाइस यार, यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 सभी छात्रों का स्टेटस क्या सच में जारी हो चुका है? क्या है पूरी सच्चाई? सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल वे में दिखाने वाला हूँ। स्टेटस जारी हुआ है तो कैसे क्या सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा एक बैड न्यूज़ भी सामने निकल के आया है गाइस। बैड न्यूज़ ये है कि इन छात्रों को अब किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। कौन से वो छात्र रहने वाले हैं सब कुछ आपको बताऊँगा और सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। यार कमेंट सेक्शन को आज मैंने मैक्सिमम पिक किया है, तो आपका भी कमेंट हो सकता है। वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो डालूंगा आपको बेहद आसानी से मालूम चलेगा। तो चलिएगा, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस यार, आपके सारे सवालों के जवाब देने मैं डायरेक्टली आपको लेके आ जाता हूँ डायरेक्ट यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जहाँ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे एक कह सकते हैं नया जो अपडेट आया है वो ये है, संस्था द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 दिसंबर तक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति योजना की अंतिम डेट जो है वो 10 जनवरी तक बढ़ा के कर दी गई है। तमाम सारी चीज़ें दी हुई, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, एक छात्र ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, यूट्यूब में भी कई सारे कमेंट्स आए कि सर क्या सच में स्टेटस वाउट होना शुरू हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ रहे हैं कि अपलोड हो रहे हैं स्टेटस दिखने के रिगार्डिंग। क्या है उसमें पूरा सच्चाई, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। यानी कि क्या सच में स्टेटस दिख रहे हैं यानी कि नहीं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, यूपी स्कॉलरशिप की डायरेक्टली वेबसाइट पे आना और यहाँ पे सर्च स्टेटस पे दिख जाना है, ये वाला दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और अगर कुछ छात्र नोटिस कर पाएंगे ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे गाइज, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जो कि आप लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जैसे गाइज ये देखिए, पेज जो है वो इरर दिखा रहा है, यानी कि अभी मैं अब वेट कर लेता हूँ, वी आर सॉरी लिखा रहा है। तो यानी अभी आपका स्टेटस 2021-22 का आज की डेट में जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ तो स्टेटस नहीं शो हो रहा है। भले ही कल परसों से स्टेटस शो आउट होना शुरू हो जाए वो बात अलग होगी। तो गाइज जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि स्टेटस आपका दिखने लगा वो पूरी तरह से फेक है और आपको ट्रस्ट नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको जेन्युइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मगर आपको तो क्या पड़ी है, हमारे चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किए ना ही सपोर्ट करते हैं। देखिए गाइज, अगर जब भी स्टेटस आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता देंगे, इस बात को अपने जहन में सेट कर लीजिए। और अभी स्टेटस नहीं आया इस बात को भी समझ लीजिए। आज गाइज जो डेट है वो 11, कल की डेट में कहा गया है तो कल शाम तक या फिर परसों शाम तक आपका स्टेटस ज़रूर से दिखने लगेगा। इस बात को लेकर आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि आपका स्टेटस जो है वो नहीं आया है और सारी जो भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं कि स्टेटस आ गया है, ऐसा सब कुछ फेक है, कोई भी रियलिटी इसमें नहीं है आज की डेट में जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, समझ लो। चलिए गाइस, अब आपके कुछ कमेंट्स को मैंने पिक किया है, कुछ आपके सवाल हैं उनके जवाब देते। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा आ गया 10,740 रुपये, BSc का स्टूडेंट हूँ। तो गाइस ये क्या था कि जब 2 तारीख को स्कॉलरशिप दे दिया जा रहा था ना, 2 से 5 दिसंबर तक, तो उसी बीच में इनकी स्कॉलरशिप आई होगी, इनको आज लगा, तो इनको लगा भैया आज मेरी आ गई स्कॉलरशिप। आज किसी भी छात्र की पिछले 4 दिन से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। अब यहाँ से देखिए कुछ और भी कमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, वीडियो लंबा ना होने पाए। देखिए श्रेयांश का कहना है कि भाई मेरी स्कॉलरशिप जो है वो 7,380 रुपये आई है 3 दिसंबर को, पर अभी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, बैंक में आएगी जो बिल्कुल आ जाएगी, बैंक में जाके एक बार पता कर लो आ गई होगी, या फिर बैंक मैनेजर से बात कर लो, कुछ ना कुछ जरूर से हेल्प मिल जाएगा। अंकित कुमार का कहना है कि सर BEd फर्स्ट ईयर वालों का कितना स्कॉलरशिप आता है OBC का? गाइस जनरली 31 से 33 हज़ार रुपये आता है और कभी कभी 23,000-20,000 भी दे देते हैं, आगे पीछे हो जाता है, समझ रहे हो। उदित कौशिक का कहना है जिनका 19 से पहले नहीं आया आया वो क्या करेंगे, आएगा क्या करें। तो देखिए अगर आपका 19 मैंने नहीं कहा था 29 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर के पहले अगर आपका 30 दिसंबर तक नहीं आता, उसके बाद जो कुछ भी करना होगा मैं उस टाइम उस दौर की वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अभिषेक का कहना है कि सर BSc फर्स्ट ईयर में GMA 2 प्रमोट हो गया था पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बस प्रमोट का सर्टिफिकेट आया है, तो क्या स्कॉलरशिप आएगी? देखिए स्कॉलरशिप में कहा गया है कि 14 से 19 तक आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना है, जो छात्र लिख दिए थे प्रमोटेड विदाउट मार्क्स या फिर रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर, तो कुछ ना कुछ करके भाई रिजल्ट 19 तक आना चाहिए आपका, समझ रहे हो। नहीं आएगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, DW पे रोक दिया गया तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी।
8400 400 400। जी हाँ गाइज, आपको ये नंबर याद कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व आउट कर दिया जाएगा फटाफट से। बस व्हाट्सएप की मदद से आपको डाउट नट का ये जो नंबर है इसको सेव कर लेना है, और जैसे आप इसको सेव कर लेंगे, जी हाँ गाइज बता रहा हूँ, कमाल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन से बस फोटो क्लिक करना है, उन्हें क्रॉप करना है, उसके बाद फिर उन्हें तुरंत वीडियो सोल्यूशन आप पा जाएंगे। वो 6th to 12th क्लास का हो, IIT JEE मेंस एडवांस नीट का, CBSE बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड का हो। तो गाइज यार किसी भी बोर्ड का हो, आपको ये नंबर 8400 400 याद कर लेना है, जो कि डाउट नेट का हेल्पर नंबर है। इसे फटाफट से जाओ डाउनलोड करो। अमित कुमार का कहना है कि पिछली साल की BA फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप 2/10/2021 को आई थी। पिछले साल की BA फाइनल की स्कॉलरशिप मेरी 2/10/2021 को आई थी। और गाइज ये बात सच है कि पिछले साल की कई सारी स्कॉलरशिप जो है वो 2 दिसंबर को भेजी गई थी, और ये बात सच है, रियलिटी है। कुछ छात्रों का नहीं, मैक्सिमम लोगों का आया था, जिसमें मेरा भी स्कॉलरशिप जो है वो शामिल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ह्यूमिनिटी का कहना है कि 26 देखिए कुछ इस प्रकार का अपडेट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे से कोई सवाल जवाब करने में, या फिर आप मेरे से इंटरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं। रवि मेहता का कहना है कि सर मेरा 5000 रुपये आया है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है, 12 दिन हो गए हैं। भाई बैंक में जाके पता करना होगा, बात करना होगा क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है। PFMS का बहुत बड़ा लोचा होता है मेरे दोस्त, इसीलिए APBS प्रणाली के द्वारा स्कॉलरशिप भेजी जा रही है इस बार मैक्सिमम छात्रों की। PFMS में यही होता है, 10-12 दिन के लिए रोक दिया जाता है, फिर नहीं आता, बैंक के चक्कर लगाओ, ये दौड़ो वहाँ दौड़ो। लेकिन चलिए जो भी होगा, एक बार बैंक का चक्कर लगा लो या फिर आओ, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे बातचीत होता है। पॉलिटेक्निक का स्कॉलरशिप कब आएगा, वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखिए पॉलिटेक्निक हो या फिर कोई भी छात्र, अभी किसी की स्कॉलरशिप नहीं भेजी जा रही है। 20 तारीख के बाद से आप सभी की स्कॉलरशिप फिर से भेजी जाएगी, और आप सभी एकदम निश्चिंत हो जाइए। हम वीडियोस रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, दिन में कम से कम एक वीडियो डाल देते हैं स्टेटस या फिर स्कॉलरशिप के अपडेट के रिगार्डिंग। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ ही आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो अच्छी बात है भैया, आप लोग महान हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम मुरत सिंह का कहना है कि सर क्लास 10th रिन्यूअल वालों का स्टेटस में आए प्रमाण पत्र क्रमांक शो नहीं हो रहा है। भैया ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के साथ देखने को मुझे मिल रहा है। इंस्टा पे भी 2 छात्रों ने मैसेज किया था, तो भाई अगर नहीं सो रहा है तो दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हो, प्रॉब्लम होगी। कॉलेज में बात करो, स्कूल में बात करो, या फिर कुछ ना कुछ करके उसको सुधरवाओ। DW ऑफिसर का नंबर दीजिए। तो भैया किस DW अधिकारी का चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप अपने ज़िला के DW ऑफिस जाके उनका नंबर ले सकते हैं। ऐसे नंबर नहीं शेयर किए जाते मेरे दोस्त, समझ रहे हो बात को। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सपोज़ मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप हैं कानपुर से, तो फिर नंबर लेने देने से क्या मतलब, सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया, क्योंकि मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रेश स्कॉलरशिप फॉर्म है बट स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है। भाई अभी किसी का स्टेटस ही नहीं आया तो कहाँ से दिखाई देगा, वेट कर लो थोड़ा सा, जब भी आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। रोज़ कह रहा हूँ तो आएगा तो भैया पक्का वीडियो बनाऊँगा, समझ रहे हो। अगर रोज़ मैं आपको वीडियो बना के अपडेट देता हूँ तो आने के बाद तो ज़रूर से दूंगा ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप कभी रिप्लाई नहीं करते। आरती पाल, मैंने आपके कई सारे कमेंट्स को पिक किया है अपने प्रीवियस वीडियो में और रिप्लाई भी किया हूँ। कई कमेंट्स आते हैं, कैसे रिप्लाई हो पाएगा सभी को। जो लोग रिप्लाई के बेहद इच्छुक होते हैं मैं उनसे कहता हूँ भैया इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो फॉलो करके, मैं रिप्लाई करूँगा। और आज सैटरडे है, कल संडे है, पक्का जवाब दूंगा, सारे कमेंट्स को देखने वाला हूँ, सारे इंस्टाग्राम के मैसेज को रिप्लाई करने वाला हूँ। तो सभी लोग कर लो ना। और आप लोग क्या चाहते हो, लाइव आऊँ कि ना आऊँ, कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। अगर आप लोग कहेंगे तो आऊँगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस कुछ इसी प्रकार का अपडेट था, कुछ इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन था, और आप सभी के बार बार मैसेज आ रहे थे, तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ। बाकी का कल के दिन देखा जाएगा, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश यूटेक। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।